कैसे हैं आप सब? सबको नमस्ते और जूले। तो आज मैं पहुंच गई हूँ घर। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का मौसम। तो मौसम इस तरह से है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है और हवा चल रही है आज। तो अभी बस नहीं आई, बस के इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग। यहाँ पर भी है और नीचे भी। तो हमारा गांव का व्यूज़ इस तरह से है, पहाड़ों के बीच में। और नेशनल हाईवे के साथ NH-21 ये देख लीजिए, ऊपर लद्दाख के लिए जा रहे हैं गाड़ियाँ। और भैया बैठे हैं नीचे, ये देख लीजिए आज क्या क्या होता है। तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ है देखने लायक हमारा पुराना घर, 1930-40 का है ये घर। 3 मंजिल हुआ करता था पहले, तो 1 मंजिल हमने गिरा दिया है, अभी 2 मंजिल ही है। बहुत बड़ा है, अभी दिख नहीं रहा उतना बड़ा। अब इसमें कोई नहीं रहते हैं, तो मेंटेनेंस भी नहीं है, मेंटेनेंस गए बाढ़ में। तो चलिए अभी मैंने परौंठे बना दिए हैं। ये है सुबह की बस छिकारी से केलोंग। ले तेरे को रही थी मंजा मना ले पास के लिए 1.5 परौंठे। और आजकल लाहौल में खाना खाने का मज़ा ही कुछ और आता है, और ना ही ज़्यादा सर्दी ना ही ज़्यादा गर्मी, तो बढ़िया है। तो अभी मैंने सुबह आलू परौंठे बनाया था, दही के साथ हम लोग आलू परौंठे खा रहे हैं। और लंच में पता नहीं क्या बनाना है, मैं बनाऊंगी, बाकी सब लोग जाएंगे गैस टोने। तो मेरे बस की बात तो नहीं है गैस टोना, क्योंकि मेरा सांस फूलती है, इसलिए मैं बैठी हूँ खाना बनाने। तो चाय बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, ये सब खेत को ले जाऊंगी। तो चलिए हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ करमंडल मार नंदन के साथ खेत के लिए। चलो अभी हम तीनों जा रहे हैं चाय पानी खेत के लिए। हम छमो तो ऊपर ही है, दरवाज़ा बंद करके आना, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया। हम शामू को यहाँ से बोलूँ चाय तो नहीं पीनी। हम शामू उसकी घास के ऊपर चढ़ा हुआ ना ऊपर, मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही, पौड़ी चढ़ के जाऊँगी मैं ऊपर ना। चाय है, रस है, ग्लासेस है। तो अभी तेरा तो मुँह वगैरह होंठ वगैरह फटना स्टार्ट हो गया, लिप गार्ड नहीं है। रहने दो, कुछ नहीं होगा, रहने दो, कुछ नहीं होगा। लिप गार्ड लगाना था ना पहले। पहले हम लोग यहाँ यहीं पे पले पड़े हैं, यहाँ पे घास रोना, यहाँ पे खेलने, यहाँ से बेटू होता था, अब तो 80-90 होता था बेटू, अब तो एक भी नहीं है। सब खा लिया? खा नहीं ले, बेच दिया, क्योंकि काम करने वाले नहीं होते थे ना उस टाइम। होता था गाय हमारे पास 5-5, 6-6 दूध देने वाले, अब तो दो ही है। अब आदमी भी उतना ज़्यादा नहीं है ना काम करने वाले। कहाँ है बोला? आजकल लाहौर में बहुत बढ़िया है, मौसम बहुत अच्छा है। तो आजकल काम भी और सीज़न भी चला हुआ है, और देख लीजिए आजकल घास का सीज़न चला, उसके बाद मटर गोभी का सीज़न चलेगा। तो अभी हम लोग चलेंगे छत के ऊपर। तो घास को इस तरह से रखते हैं, तो इसको बोलते हैं सेपिन। सुखाते हैं बाहर, उसके बाद बनाते हैं ऐसा ऐसा। वो कितना बड़ा है देखो। अभी हमने चाय ले जाना, पूरा सर्दी देने के बाद दोनों बचा हुआ है घास। तो हमारा घर यहाँ दिख रहा है, और ये हमारा दादाजी का घर। और देखो छत बहुत बड़ा है। चलो क्या बोला ताऊ जी को, चाचू कौन होगा? चाचू को कॉल कर रहा हूँ। हाँ चलते हैं हम लोग,
कई बार सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है, इसलिए हम ये तो थोड़ा ही ऊपर रखा हुआ है, बाकी सब अंदर मतलब नीचे एक खुड होता है, दो मंजिला का होता है, पूरा बना होता है, तो उसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं फुरा। तो फुरा में सब फेंकते हैं घास, तो थोड़ा जो बच जाते हैं वो उसको ऊपर रखते हैं। तो यहाँ दीदी को हमने चाय पानी जो भी छोड़ना था छोड़ दिया है, अभी हम तीनों जाएंगे खेत के लिए। खेत मतलब दांग बोलते हैं ना, जो जहाँ पे घास रखा होता है, घास काट के रखा होता है, तो वहाँ जाएंगे भाभी बड़ियों को चाय पानी देने। और ये पानी लगातार 24 घंटा चला ही होता है, यहाँ पे बंद होता ही नहीं। फ्रेश पानी पीने का मज़ा ही कुछ और है। अब मेरे तो सांस भी फूल रही है, अभी तो काफ़ी ऊपर जाने को है, घास काटना ख़त्म हो चुका है, अभी ढो रहे हैं। मैं तो ढो नहीं सकती हूँ, ऐसी चाय पानी लेके जा रही हूँ। और ये हमारा आपको पहले पता था पिलीची है ना, आज चटनी बनाएंगे है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग 2004-05 में तो मैंने खूब काम किया, मतलब काम तो नहीं, घास काटने का काम। और अभी तो मैं भूल भी गई हूँ रास्ता, तो हम लोग ऊपर तक पहुँच गए थे, रास्ता भटक गया। बच्चे दोनों जा रहे हैं आगे से, कहाँ से है वे? अच्छा अच्छा, वो आगे ये कूल का पानी जो हम खेत कूल में लगाते हैं। और ये देख लीजिए, यहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे आगे को। अभी तो ये पानी जो है ना बहुत कम है, पहले ये फुल भर के आता था। ये देख लीजिए लाहौल में ये सूख है, यहाँ से बारिश के पानी का इंतज़ार नहीं करते हैं, क्योंकि पानी हमेशा ही चला होता है। यहाँ तो घास घूस ख़त्म हो चुका है, यहाँ से वो ऊपर तक है। सच में ताज़ा हो गए यादें, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे, इस पेड़ के नीचे बैठ के। और तो अभी हम लोग चलते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए बहुत बढ़िया है, नीचे को चलो। अब यहाँ से रास्ता नहीं आ रहा, गलत आ गए हम लोग। चलिए ऐसे देख लो, यहाँ ऐसे ऐसे घास काटते हैं, ये सब कांटे हैं, तो कांटों के बीच से निकालना पड़ता है घास को। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस जगह का नाम है सरकंसी, तो यहाँ पे घास घास मिलेंगे। ये हमारा छोटे छोटे खेत इस साइड है, यहाँ पे आलू बीज के रखा हुआ है ना। और ये है शकपली, जो पिंक पीछे मेरे वीडियो में आप लोगों को बताया था फूल, तो ये है उसका बीज तैयार हो रहा है। चलिए अभी हम लोग चलते हैं, भाभी दोनों के लिए चाय ले चलते हैं। ये है सब हमारा ये मायके वालों का, वाह चलो नीचे है। ये देखो यहाँ सब खत्म हो चुका है, कहाँ पे मिचू में गिरता है। अच्छा वो परे है, ओए परले साइड है, हम लोग नीचे को जा रहे हैं। ये सब अपना है, घास खत्म और ढोने का काम शुरू। आ करियो दिख गए, दिख गए, हाँ दिख गए। खिच तू लियो मन वो सान गिर के था।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आखिर हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे घास इकट्ठे कर रहे हैं और घास काफ़ी इकट्ठे कर दिया है। वैसे तो शाम तक रहेगा ये काम और पूरा नहीं होगा ख़त्म, तो शाम को वर्कर्स आ जाएंगे तो इनके साथ काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पानी और चाय लेके आ गए हैं और ये सब कुछ तो दिखाया नहीं, यहाँ पर भी पूरा पूरा वीडियो तो नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि जो जो मैंने कैप्चर किया मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी और कर रही हूँ। तो चलिए देखते रहिए। आप कहाँ से ले जाना, लो कहाँ से ले जाना? अच्छा साथ में है। ये देखो हमने भोजा बना दिया है, एक रस्सी पहुंच गया। चाय पीना तो नहीं पीना? चाय पीना तो चाय भी पी लो। अच्छा अभी हम लोग घास को ये देखो ऐसे बनाते हैं। बोरी नहीं चाहिए, बोरी चाहिए तो नहीं चाहिए, लो ले जा ले जा, उसको ले जा ऊपर से। अच्छा ऊपर वाले ले जा ना, चलो समझ देने आ जाओ। फिर ये चीजें तोड़ दे, कुछ बना दूंगा थोड़ा टाइट जैसे करना है ना, नहीं तो ये छोटा है ना घास, ऐसा करके करना। देखो आपको डेमो दिखा रहे, ऐसा करना ऐसा ऐसा ये फिर उठाना। बेबो भाई को नहीं आ रहा है उठाना, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा ये। खोले लाप को तो मन आप मन दो छामू थे दो पूब कैसू झटके से बैठ। जोड़ लगा हो गया हो गया ऐसा कर हिलाओ थोड़ा। हाँ आगे से बांधो ना फिर आसान रहेगा, भारी तो नहीं है, अटक जाएगा। थोड़ा थोड़ा उठा दे बस, आगे से बांधो देखन दो मठी चौकन। ये भी टेढ़ा है मैं या ले गई थर्मोस करियो खन दो थर्मोस। मैं चली चावल चढ़ाने। तो यहाँ पे भाभी दोनों बोझा बनाएंगे, बेबो यहाँ से उठा के ले जाएंगे सड़क तक और सड़क से आगे भैया ले जाएंगे स्कूटी पे। तो घर में तो आप लोगों ने देखा दीदी बना रहे हैं सिपिन। शाम का टाइम है तो हमारे जो पुराने घर में वर्कर्स रहते हैं वो भी आए हैं साथी करने, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ। तो सब जितने भी हैं बोझा बना के ले आए हैं और डोने का काम ही रह गया। तत्ता भाई हेलो करो। आ गया सब लोग, आ गए लिया लेने को आया। खत्म खत्म हो गया। हाँ चाय पहुंच गया, खत्म हो गया हैं। खो गोला जो दिया जरा खोल चिल छो जरा चौसा चौसा लो चौसा चौसा लो चौसा चौ दिया खिसका छाना वो छामो कर चाय चाय। हाँ प्लेन में चलो क्या क्यों नहीं दी बाईस एक नीचे वो गिना है त्यो फिर पानी क्यों दिया इतना ज्यादा, घास इतना ज्यादा क्या करना है। देखो अभी तो घर में है बहुत दिन छुटा जरूर चाची बरोक चाय है तो गिलास ना तो है चार लही चाना नुम चाना वो कर्म चाना कर्म जा। तो आजकल घास का काम चला हुआ है और सब जगह घास काटते हैं क्योंकि उस टाइम तो मटर और गोभी वगैरह तैयार ही नहीं था तो घास का काम ही चला हुआ था।
लाहौल स्पीति में सुबह शाम काम नहीं करते, खेतों में पूरा दिन लगे होते हैं सुबह से लेके शाम तक। तो मटर का सीज़न हो चाहे आलू का सीज़न हो, गोभी जो भी हो, तो इस तरह से काम करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताना। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमने काम किया और वर्कर्स हमारे देख लीजिए दिन में काम करने गए हैं और अभी शाम को एक दो घंटे के लिए हमारे साथ हेल्प करने आ गए हैं। टाइम आ चुका है वीडियो को एंड करने का, इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहना और प्यार बरसाते रहना। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, थैंक यू।